आज हम सीखने वाले हैं YouTube पे चैनल कैसे बनाते हैं, और चैनल बनाते हैं तो आखिर कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है जिससे कि हमारा वीडियो जल्दी से वायरल हो जाता है और हम भी लोगों की तरह अपनी भी एक लोकप्रियता बनाते हैं और साथ ही YouTube से अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर YouTube पे चैनल कैसे बनाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में एक लाइक कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। YouTube पे चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक जीमेल होना चाहिए। तो जीमेल कैसा होना चाहिए? मेरा मानना है कि जीमेल आपको ऐसा होना चाहिए जो कि पूरा फ्रेश होना चाहिए और नया होना चाहिए, क्योंकि जब भी लोग YouTube पे चैनल बनाते हैं ना तो पुराना जीमेल तो मोबाइल में होता ही है और उसी से YouTube पे चैनल क्रिएट कर देते हैं। बट क्या होता है कि जब पुराने जीमेल से YouTube पे चैनल क्रिएट किया जाता है तो पता चलता है कि उनके वीडियो को ग्रोथ में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बट जब आप कोई चीज़ फ्रेश करते हैं, नया करते हैं, तो एक ताजगी के साथ करते हैं और उन चीज़ों की ग्रोथ होने की संभावना 110% तक बढ़ जाती है और जल्दी से वो चैनल ग्रोथ कर जाता है। तो सिम ऐसा ही चीज़ है YouTube पे कि आप नए जीमेल के साथ जब चैनल क्रिएट करेंगे ना तो जल्दी से आपका वीडियो वायरल हो जाएगा और अच्छी खासी अर्निंग करने लगेंगे, आप जल्दी से अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आखिर सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है जीमेल बनाना, वो कैसे होता है? तो जीमेल बनाने के लिए हम चलते हैं अपने यूट्यूब पे और हमने अपने चैनल को खोल लिया है। ठीक है, अब क्या करना होगा कि आप देख सकते हैं कि YouTube जैसे ही आप खोलेंगे तो मोबाइल के स्क्रीन पे सबसे नीचे राइट साइड के कॉर्नर में आपको यू का जो ऑप्शन है आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर में आपका जो जीमेल है वो नाम आ जाएगा। उसके बाद आप स्विच अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्रिएट कर लेंगे। आप देखेंगे कि सारा का सारा जीमेल जो आपके मोबाइल में, वो सारा का सारा जीमेल आपके पास आ चुका है। बट क्या है कि हमें क्या करना है कि एक नया जीमेल के साथ अपना अकाउंट बनाना है। तो आप ऊपर में देख सकते हैं, राइट साइड ऊपर में कॉर्नर में प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा बफरिंग करने लगेगा और आपके पास साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। साइन इन का ऑप्शन जब आपके पास आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ईमेल और फ़ोन नंबर का, जो आपके पास पुराना जीमेल आपके मोबाइल में अवेलेबल है आप उससे भी चैनल बना सकते हैं लॉगिन करके। दूसरा ऑप्शन आपके नीचे आ जाएगा क्रिएट एन अकाउंट का। जब क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा तो क्रिएट एन अकाउंट वाले पे जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, फॉर माय पर्सनल यूज और दूसरा फॉर माय वर्क बिजनेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिजनेस रिलेटेड तो हमें चैनल नहीं बनाना है, हमें बनाना है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो हम इस वाले पे क्लिक कर देंगे, पर्सनल यूज वाले पे, और जैसे ही पर्सनल यूज वाले पे क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपना नाम डालना होगा कि आप किस नाम से चैनल को बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो अपना नाम डाल देंगे या फिर जो हमें चैनल बनाना है उसका नाम डाल देंगे ताकि हमें चैनल बनाने में आसानी होगी। तो हम अपना नाम डाल देते हैं कि आखिर हम क्या कर, हमें कौन सा चैनल बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो चैनल बन रहा है वो टेक्निकल अमरेंद्र करके बन रहा है। ठीक है, तो हमने डाल दिया पहले वाले में टेक्निकल और दूसरे वाले में अमरेंद्र। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। ठीक है, महीना वाले में आकर के आप अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ईयर वाले में आकर के आप अपना ईयर फिल कर लेंगे। ईयर फिल करने के बाद उसके नीचे ही ऑप्शन आएगा जेंडर का, जेंडर में आपको फिल करना है। तो जेंडर में आप जो भी जेंडर है, स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है, आपको कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ जीमेल गूगल खुद से रेफरेंस करेगी कि ये जीमेल हमारे पास अवेलेबल है और आप चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने अनुसार से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल तीन तीन जीमेल आया हुआ है, अमरेंद्र टेक्निकल 084@gmail.com, एक है टेक्निकल अमरेंद्र 578@gmail.com और दूसरा जो ऑप्शन है क्रिएट योर ऑन जीमेल। तो क्रिएट योर ऑन जीमेल है, इसको करने की हमें ज़रूरत ही नहीं लग रही क्योंकि ऊपर जो दो जीमेल दिया गया है वो हमें पसंद है, दोनों का दोनों। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूछेगा कि आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए जिसमें कि एक नंबर भी हो, उसके बाद लेटर भी हो और उसके साथ साथ जो सिंबल्स होते हैं वो भी हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अपना जो अकाउंट है वो उस आप अपने अकाउंट का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ और कम से कम 8 लेटर तो आपके पासवर्ड में होने ही चाहिए, तब जा करके आपका पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लगभग हमारा जो जीमेल है वो बन के तैयार है। बस एक एग्रीमेंट जो है हमें कंप्लीट करना है, यस आई एम इन का, हम उसको भी क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा जो जीमेल है वो बन गया है टेक्निकल अमरेंद्र 578@gmail.com और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एग्रीमेंट पे हमें आई एग्री करना होगा। आई एग्री करते ही क्या होगा कि हमें जो गूगल है हमारे जीमेल को रिडायरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देखिए गूगल हमारा जीमेल रिडायरेक्ट कर रहा है और डायरेक्ट लेके चला जाएगा यूट्यूब पे। कहाँ लेके चला जाएगा? यूट्यूब पे। तो हमारा जो जीमेल है वो बन के तैयार हो चुका है, तो ये हमें हमारे गूगल पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब चलिए रिडायरेक्ट करने के बाद आप जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो आपको आपका जो नया जीमेल है वो देखने के लिए मिल जाएगा। जब नया जीमेल देखने के लिए मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, नए वाले जीमेल पे क्लिक करेंगे जिससे कि आपका यूट्यूब खुल जाएगा। और यूट्यूब खुलेगा तो आपने पहले कोई भी चीज़ नहीं देखा है, आप देख सकते हैं कि आपने कुछ भी नहीं देखा इस वाले जीमेल से, ये पूरा फ्रेश जीमेल है। और अब आपको क्या करना है कि इसी जीमेल के साथ आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। अब यूट्यूब चैनल बनाना है इसके लिए क्या करेंगे, फिर राइट साइड में नीचे का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट ए चैनल, क्लियर में लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट ए चैनल। अब क्या करेंगे, जैसे ही क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन आ रहा है तो उस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको आपका प्रोफाइल फ़ोटो लगाना होगा जो आपको दिख रहा होगा, आप प्रोफाइल फ़ोटो लगा लेंगे। उसके बाद जो आपने नाम डाला है, अगर आपने नाम सेम नाम से अगर चैनल रखना है तो आप सेम नाम से रख सकते हैं या फिर आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद हैंडल दिया हुआ है उसको भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो नाम है हम नाम को सेम रखेंगे, हैंडल को भी सेम रखेंगे, बट पिक्चर इसमें लगाना बाकी है तो पिक्चर हम इसमें लगा लेंगे। पिक्चर कौन सा लगाएंगे, टेक्निकल अमरेंद्र जो हमारा चैनल है इस पर जो हमें पिक्चर लगाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमें पिक्चर लगाना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे पास एक पिक्चर है, मैं इस वाले पिक्चर को ले लेता हूँ अपने प्रोफाइल के लिए, ठीक है, और उसके बाद सेव एज प्रोफाइल कर देता हूँ। ठीक है, हमने सेव एज प्रोफाइल किया, अब देख सकते हैं ये अपडेट होकर के हमारा फ़ोटो भी आ चुका है। अब ये जो नेम है टेक्निकल अमरेंद्र, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं या फिर अगर आपको ये नाम पसंद है तो रख सकते हैं। हैंडल का ऑप्शन है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं। तो हमारा जो भी हैंडल है ना वो हमें पसंद है, आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एंड चैनल, जैसे ही क्रिएट एंड चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो लगभग ये जो आपका चैनल है ये बन के अब तैयार हो चुका है। अब आप इस पर वीडियो डाल सकते हैं, प्लस का ऑप्शन आ चुका है आप देख सकते हैं नीचे में। और अब फिर से अगर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ जो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा था चैनल का नहीं आ रहा है। टेक्निकल अमरेंद्र हमारा फ़ोटो भी लग चुका है और अभी तक हमने यहाँ से कोई वीडियो नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। प्लस वाला ऑप्शन है जहाँ से हम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, प्लस वाले ऑप्शन पे आप देख सकते हैं कि वीडियो को अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। चैनल तो बन गया है, बट चैनल बनने से और सिर्फ वीडियो अपलोड करने से क्या हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा? नहीं। तो कुछ ऐसे सेटिंग्स है जिसको करना ज़रूरी होता है अपने चैनल पर, ठीक है, तो आखिर वो क्या सेटिंग्स है, उसको कैसे करना होगा, इसके लिए हमें चलना होगा अपने YT स्टूडियो पे, ठीक है। जैसे ही आप studio.youtube.com डालेंगे तो आपके पास जो पहला वेबसाइट आएगा उसमें नीचे में लॉगिन का ऑप्शन है, उस वाले लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट करेगा, क्लिक करने के बाद ये हमें डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, गूगल क्रोम पे। जैसे ही क्रोम पे हमें रिडायरेक्ट करेगा तो हमारे पास जो पहले से चैनल है वो खुल करके आ जाएगा। बट क्या करना है कि आप राइट साइड के कॉर्नर में ऊपर में देखिएगा तो आपके पास जो आपका चैनल है उसका लॉगो आएगा और उसी में नीचे में आएगा स्विच योर अकाउंट, ठीक है, तो स्विच वाले पे क्लिक करेंगे और हमने जो नया अकाउंट बनाया है उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब स्विच एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपका नया चैनल है उसका यूट्यूब स्टूडियो डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा और आपको क्या करना है कि सामने में वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो आ रहा है और कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आप मोबाइल पे आएंगे, आप देख सकते हैं चैनल डैशबोर्ड कुछ भी नहीं है, सब कुछ नया ही बना हुआ है। सबसे नीचे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाते हैं आपको, एक सेटिंग्स का ऑप्शन बना हुआ है और इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो सेटिंग है यूट्यूब का, जिन जिन सेटिंग्स को करना है वो खुल के सामने आ जाएगा। और जनरल जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें करेंसी USD US डॉलर लिखा हुआ है, तो आप इसको इंडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग US डॉलर में रखते हैं और डॉलर में पेमेंट देखना थोड़ा अच्छा लगता है तो लोग US डॉलर में करके रखते हैं, तो इसको सेम छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको चैनल वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है, और चैनल वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपके पास
तीन ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले में आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप ये वीडियो को कहाँ दिखाना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और हिंदी में बातचीत करता हूँ, तो हमारा जो टारगेट है वो इंडियन ऑडियंस है, मतलब हम इंडियन लोगों को ही अपने वीडियो को दिखाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया, ठीक है। तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है बेसिक इन्फॉर्मेशन में। अब क्या है कि कीवर्ड क्या खोज रहा है, तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड वो चीज़ होता है जिससे कि हमारा यूट्यूब रैंकिंग करता है। मतलब आखिर यूट्यूब कोई भगवान नहीं है, यूट्यूब इंसान भी नहीं है जो ऐसे ही बिना कीवर्ड के समझ लेगा कि हम अपने वीडियो में क्या डाल रहे हैं। यूट्यूब को समझाने के लिए कीवर्ड डालना पड़ता है, जैसा वीडियो बना रहा है उससे रिलेटेड कुछ नाम डालने पड़ते हैं, तब जा करके यूट्यूब समझता है ये ऐसा वीडियो डाल रहा है और ऐसे ऑडियंस के पास पहुँचाना है। तो हमने नाम क्या दिया अपने चैनल का, टेक्निकल अमरेंद्र, मतलब हम टेक्निकल वीडियो बनाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी देना चाहते हैं। तो इसमें क्या करना होगा कि टेक्निकल से रिलेटेड टैग लगाने पड़ेंगे, कीवर्ड्स लगाने पड़ेंगे। तो टेक्निकल कीवर्ड्स क्या लगा सकते हैं, तो सोच लेंगे कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कीवर्ड कौन कौन से हैं। तो आप रिसेंट में आप देख रहे होंगे कि हाउ टू क्रिएट एन यूट्यूब, ये एक बहुत बड़ा कीवर्ड है जो आजकल लोग सर्च करते रहते हैं कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएं। दूसरा, कुछ टेक्निकल ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका कि आज मिलियन में सब्सक्राइबर है और लोग उनके वीडियो को देखना पसंद करते हैं, सर्च करते हैं उनके नाम से, जैसे मनोज दे हैं, स्प्रेडिंग ज्ञान है, टेक्निकल गुरुजी है, सचिन मोरिया है, टेक्निकल योगी है, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनका कि नाम लेते जाएंगे तो नाम कम पड़ जाएगा। तो वो सारा का सारा एक कीवर्ड हो गया कि भाई इन चीज़ों को हम अपने मोबाइल में लिख देंगे तो जो उनका वीडियो देखते होंगे उनके सामने हमारा भी वीडियो आएगा अगर वो चीज़ लिखते हैं तो। तो हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को फिल कर लेंगे। तो कीवर्ड्स में क्या करना है कि हमें डाल देना है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा फेमस है मनोज दे, तो मनोज दे का नाम लिख देंगे। क्या करेंगे, मनोज दे का नाम लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि मनोज दे का नाम क्यों लिखेंगे, तो भाई लिखना ज़रूरी है, ये टैग नहीं है, कीवर्ड है, इससे आपके चैनल पे कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे आपका चैनल रैंकिंग करेगा, सर्च में आएगा। अगर कोई मनोज दे नाम लिखता है तो आपका भी चैनल वहाँ पे शो करने लगेगा। तो क्या करना है, मनोज दे पहला हो गया, उसके बाद क्या करना है कि टेक्निकल गुरु जी लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे टेक्निकल योगी लिख देंगे, क्या करेंगे स्प्रेडिंग ज्ञान लिख देंगे, यूट्यूब वाले बाबा हैं, टेक चैंपियन सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर है, एक दो नहीं बहुत सारे क्रिएटर है, टेक्निकल महात्मा जी, आप लिख देंगे सचिन मोरिया, उसके बाद आप इंपोर्टेंट कीवर्ड्स में डालेंगे कि हाउ टू क्रिएट एंड यूट्यूब, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, तो यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करे, मतलब टेक से रिलेटेड आपके पास जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं मन में, ये सब फेमस है, इनका वीडियो लोग शेयर करते हैं, वो सारा का सारा 10-20 कीवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप डालेंगे और आप अपना भी नाम लिख देंगे, क्योंकि आप चैनल बनाए हैं और आपके भी चाहने वाले होंगे और आपके नाम को भी सर्च किया जाएगा, रिसेंट नहीं किया जाएगा लेकिन धीरे धीरे आपके चैनल को भी लोग सर्च करने लगेंगे। अब इतना कुछ लिखने के बाद क्या करना है कि आपको अब सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्या करना है सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है,
और फिर से चैनल वाले ऑप्शन पे आना है। अब क्या है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने फिल कर दिया, अब एडवांस वाला ऑप्शन है उसमें क्या फिल करना है। ठीक है, तो एडवांस का जो ऑप्शन है आप उसको स्क्रॉल करके जब नीचे की उड़ाएंगे तो आपके पास ये तीन ऑप्शन है। ठीक है, अब तीन ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है सीट दिस चैनल्स एज मूड फॉर किड्स, मतलब क्या ये चैनल बच्चों के लिए है, अगर बच्चों के लिए है तो टिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है नो दिस चैनल इज नॉट मेक फॉर किड, अगर आप बच्चों के लिए नहीं बनाए तो उसको क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप हो सकता है कि हर तरह का वीडियो बनाना चाहेंगे, कभी बच्चों के लिए कभी बड़ों के लिए, तो तीसरा जो ऑप्शन है आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग्स फॉर एवरी वीडियो, ठीक है, इस पर क्लिक किया हुआ है, आप इसी को रहने देंगे। ठीक है, और छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे में आपको कैप्शन का ऑप्शन है कि कैप्शन क्या आप लेना चाहते हैं, जब आप वीडियो में कुछ बोलते हैं तो सामने में लिखा हुआ आता है तो आजकल वो अच्छा लगता है, तो आप कैप्शन को भी ऑन कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट का को भी क्लिक करके ऑन कर देंगे। ठीक है, मतलब जिसने भी ऑप्शन है, और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे इसको भी क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चैनल वाले पे क्लिक करेंगे। हमने एडवांस सेटिंग को भी कंप्लीट कर लिया। अब फ्यूचर्स वाले में ऑप्शन में अगर आप आए करके देखेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन खुलेगा, तीन में पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ग्रीन हो चुका है, पहला ऑप्शन आपका ग्रीन हो चुका है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है उसमें एलिजिबल बोला जा रहा है। आप इसको भी क्या करेंगे कि जो भी फॉर्म भरने के लिए है या फिर मोबाइल नंबर डालने के लिए है, आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ताकि मोबाइल नंबर इसलिए डाला जाता है कि आपका चैनल वेरीफाई हो गया। और दूसरा क्या बात है कि जब आपका चैनल वेरीफाई होगा और आप जब वीडियो डालेंगे तो आपको थंबनेल डालना जरूरी होगा, तो थंबनेल डालने के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर डालने का के लिए ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, तो कंट्री हमारा इंडिया है, इंडिया डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल नंबर को यहाँ डाल देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास 6 डिजिट का मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको क्या करना है कि यहाँ पे फिल कर देना है। आपको क्या करना होगा और सबमिट कर देना होगा। ओटीपी जैसे ही फिल करके आप सबमिट करेंगे, आपका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है लगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। देखिए ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। फिर आप क्या करेंगे, फोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब तीसरा जो ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि एडवांस फीचर्स है और इसको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, या तो कार्ड, कोई आईडी कार्ड लगाना होगा, क्रिएट मोड लाइव स्ट्रीमिंग करना होगा, वीडियो मोड वीडियो डेली डालना होगा। ठीक है, मतलब इस पर आपको वेरीफाई करना होगा आईडी कार्ड से, या फिर डेली डेली वीडियो डाल करके करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जब आप एक आध महीने वीडियो को डालेंगे ना कंटिन्यू, तो आपका जो ये एलिजिबल वाला ऑप्शन है ये आपका ऑलरेडी ग्रीन हो जाएगा, तो इसको कुछ भी नहीं करना है और आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ये दो ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, अपलोड डेट फुल वाले तीसरा जो ऑप्शन है आप उस पर आएंगे। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या करना है कि आपको लिख देना है कि आप किससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख देना है। एडवांस सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आकर के देखना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या लिख देना है कि आपको अपने चैनल का नाम लिख देंगे और बता देंगे कि हम अपने चैनल पे क्या क्या करना चाह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिख देंगे कि हम अपने चैनल पे किस तरह का वीडियो लेकर के आएंगे। उसके बाद एडवांस की सेटिंग है उसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस वाले में आप आकर के देखेंगे, एडवांस वाले में आप जब खोलेंगे तो नीचे में लिखा हुआ लाइसेंस, तो यहाँ पे लाइसेंस को स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रहने देंगे। कैटेगरी में क्या है कि नॉन लिखा हुआ है, तो कैटेगरी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और आप किस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं, मतलब एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाना चाहते हैं, टेक्निकल वीडियो बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। ऑटो एंड व्हीकल के, आप गाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर कॉमेडी वीडियो बनाना चाहते हैं, एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट का, फिल्म का, गेमिंग का, म्यूजिक का, न्यूज़ का, नॉन प्रॉफिट वाला वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर ब्लॉग बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स, ट्रेवल, इवेंट, क्या बनाना चाहते हैं। तो हम जो इस वीडियो को बना रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज से बना रहे हैं, मतलब हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को यूट्यूब पे कैसे काम करना है, तो हम एजुकेशन वाला ऑप्शन रहने देंगे। वीडियो का लैंग्वेज आप क्या करना चाहते हैं, तो वीडियो का जो लैंग्वेज है हम हिंदी में बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हिंदी कर देंगे, ताकि हमारे जो हिंदी के ऑडियंस है उस तक हमारा वीडियो पहुँचे, ना कि इंग्लिश वाले के पास पहुँचे, और पता चले कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं हिंदी में
और हमारा वीडियो कहाँ पहुँच रहा है, इंग्लिश वाले के पास, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्या अब कह रहा है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज क्या डालना चाहते हैं, तो आप हिंदी में डाल सकते हैं, इंग्लिश में डाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। अब क्या है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन का जो लैंग्वेज है वो भी आप हिंदी कर दीजिए, क्योंकि आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हिंदी में लिखेंगे और इस तरह से आपका जो यूट्यूब चैनल बनाने का प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, अब अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर के कंटिन्यू फोकस करके वीडियो डालना है और अच्छे से एडिट करके डालना है। दूसरी बात कि आपको अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है वो HD क्वालिटी में कन्वर्ट करके रखनी है और कंटिन्यू होकर के काम करना है, ठीक है, तब जा करके आप YouTube पे सक्सेस कर पाएंगे, एक अच्छा क्रिएटर बन पाएंगे और लाखों रुपए कमा पाएंगे और साथ ही दौलत के साथ साथ शोहरत भी और नाम भी, इज्जत भी कमा पाएंगे। तो आज हम लोगों ने YouTube पे चैनल बनाना सीख लिया और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में YouTube के नए टिप्स के साथ आप लोगों के बीच, और आपको बताएंगे कि आगे क्या कुछ करना है। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।